नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में और ये सीमा का घर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीमा के घर के बाहर आप देखिए किस तरीके से दरवाजे को बंद कर दिया गया है। और आपको बताएं, तो थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने जब सचिन के घर के अंदर जाकर सचिन की माँ से बात करने की कोशिश की थी तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये बताया कि सचिन की तबीयत खराब है। दरअसल सचिन टाइफाइड से ग्रस्त है और पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो सचिन घर पर नहीं आया है और 2 दिनों से पूछताछ लगातार सचिन से नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आपको बताएं कि सुर्खियों में है, चाहे गली नुक्कड़ चौराहों की बात करें या फिर विश्व स्तर की बात करें, ये पूरा मामला जो है वो गर्माता चला जा रहा है। और अब जो सीमा है वो सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में दरअसल इसलिए है क्योंकि जिस तरह के जवाब सीमा की ओर से दिए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, वो जवाब जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के गले से उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अब बड़ी अपडेट हम आपको ये बताएं कि अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर अब जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई हैं और वो इसलिए आ गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया द्वारा सचिन को फंसाए जाने का शक जताया जा रहा है। और ऐसे में आपको बताते चले कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सीमा हैदर के वो खंगाले जाएंगे और साथ साथ जो YouTube अकाउंट्स भी हैं वो भी खंगाले जाएंगे। और वो इसलिए खंगाले जाएंगे क्योंकि जांच एजेंसियां इस बात का शक जता रही हैं कि सचिन हैदर को पहले यूट्यूबर बनकर उसने अपने झांसे में फंसाया सीमा हैदर ने और उसके बाद वो भारत में दाखिल हुई है। किस तरीके से ये पूरी जो प्लानिंग है इसको अंजाम दिया गया है, क्या ISI का लेना देना है इसमें और क्या ISI के इशारे पर ही सचिन ने पूरी प्लानिंग के तहत सीमा हैदर ने पूरी प्लानिंग के तहत सचिन को फंसाया है, इस बात की पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं, चाहे IB हो या फिर ATS हो। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग कर लेंगे हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लगातार इस खबर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आनंद, अब जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स सीमा के रहे हैं उन पर नजर है। जी देखिए बिल्कुल अंकिता, 7 फरवरी 2022 से जो सीमा हैदर थी उसने सोशल मीडिया अकाउंट अपना एक्टिवेट किया और उसके बाद उसने लगातार सचिन मीणा को लेके ही अधिकतर पोस्ट की थी। यही वजह है कि जांच एजेंसियां लगातार जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट है उसकी पड़ताल कर रही थी। 3 कहानियां इस पूरे मामले में निकल के आ रही थी। एक तो क्या प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर सीमा हैदर भारत की नागरिकता लेना चाहती थी या यहाँ पर आकर यूट्यूबर बनना चाहती थी, क्योंकि सीमा हैदर ने लगातार ये 3 बातों पर जोर दिया है कि वो प्रेम प्रसंग के चलते ही भारत आई हैं, वो एक यूट्यूबर भी बनना चाहती थी लेकिन भारत की नागरिकता को लेकर अभी कोई ठोस जवाब सीमा हैदर की तरफ से नहीं मिला। हालांकि सचिन मीणा ने बुलंदशहर से 2 लोगों की मदद से उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की जिस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हुए, तो इसके पीछे क्या मंशा थी ये तमाम चीज़ों की जांच UP ATS और UP पुलिस कर चुकी है। और फिलहाल अभी सचिन मीणा और सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के ही रबूपुरा के एक किसी रिश्तेदार के घर पर हैं, उनकी माली हालत खराब है, उसको लेकर भी एक वीडियो सामने आया है। यूपी पुलिस के साथ लगातार पूरा परिवार संपर्क में है और अब वो अपनी नौकरी का भी हवाला दे रहे हैं कि वो जहाँ रोजमर्रा के काम के लिए जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर जाने दिया जाए। जी बिल्कुल, लौटेंगे हम आपके पास आनंद, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि इस तरीके से 4 बच्चों के साथ एक साधारण महिला, जैसा कि सीमा हैदर दावा कर रही है, भारत में दाखिल हो जाती है वो भी नेपाल बॉर्डर के रास्ते, तो ऐसे में समझिए कि खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। और खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि तमाम ऐसे मास्टरमाइंड है, तमाम ऐसे आतंकवादी हैं जो कि भारत में हिंदुस्तान में घुसने की फिराक में रहते हैं और ये छोटी छोटी कमियां हैं इन्हीं का फायदा उठाया जाता है। और यही वजह है कि जो शक का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जांच एजेंसियां अब इस बात का लगाने में जुटी हुई हैं कि किस तरीके से सीमा हैदर ने इंडिया में दाखिला लिया है और किस तरीके से सीमा हैदर को, आपको बताएं कि यहाँ पर एंट्री मिली, कौन कौन सा वो जरिया था, किसके से उसने मदद ली है, किस किस का इस्तेमाल किया है, कहाँ कहाँ वो रुकी थी, कौन सा होटल था, ये तमाम सवाल आते हैं जो सीमा हैदर से पूछे गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि सीमा हैदर का एक और वीडियो सामने आया है। दरअसल ये वीडियो 72 घंटे बाद सामने आता है क्योंकि UP ATS लगातार सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ कर रही थी और उसके बाद IB की भी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में जारी रही है। लेकिन 72 घंटे बाद जो वीडियो सामने आया है, कहा जा रहा है किसान नेता का ये वीडियो है और किसान नेता सीमा हैदर और सचिन से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस किसान नेता के मुताबिक
सीमा हैदर और सचिन इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। पूरा परिवार जो है उसकी माली हालत ठीक रही है, क्योंकि सचिन जॉब पर नहीं जा रहा है, काम पर नहीं जा पा रहा है। सचिन के पिता भी काम पर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए अब उनकी माली हालत खराब होती चली जा रही है। और इसी के मद्देनजर अब उनकी ओर से प्रशासन से इस बात की गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो अपने कामकाज को आगे बढ़ा सके, दो वक्त की रोटी कमाने को कम से कम बाहर निकल सके। क्या कुछ ये पूरी रिपोर्ट है, किस तरीके से परिवार परेशान चल रहा है और क्या गुहार लगाई गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझ लिए। पिछले 5 दिन से सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहीं कोई खबर नहीं थी। सचिन और सीमा को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। सीमा के एटीएस कस्टडी में होने का दावा किया जा रहा था। सचिन और बच्चों को लेकर भी कई दावे किए गए थे, लेकिन एक वीडियो ने उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया। और इस वीडियो में बकायदा यह बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो माली हालत से गुजर रहा है और अब उन्हें खाने पीने की दिक्कतें होने लगी हैं, जिसको लेकर एसएचओ को एक खत लिखने की बात भी इस वीडियो में सामने आ रही है। दावा है कि ये सचिन मीणा के रिश्तेदार का घर है, जहां सचिन मीणा भी हैं, सीमा हैदर भी हैं, सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा भी हैं और सीमा के बच्चे भी यहां मौजूद हैं। इन सब के अलावा यहां पर एक चौथा शख्स भी मौजूद है, जिनका नाम है मास्टर स्वराज, जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीमा और सचिन को इस घर में रखने की वजह क्या है और क्यों ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से दूर उन्हें इस घर में रखा गया है, मास्टर स्वराज ने खुद बताया। मैंने इनसे समस्या पूछी कि आपको क्या परेशानी है, तो इन्होंने बताया कि हमको खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस के पहरे में हमको बिठा के रखते हैं। हम रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, और हमारे घर में अब खाने पीने की जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनका खत्म हो गई हैं। तो मैंने इनको बताया कि आप अपना थाना इंचार्ज रघुप्रा को अपना पत्र लिख करके दें, ताकि वो अपने आला अधिकारियों से इसकी परमिशन लेकर के आपको खाने कमाने की परमिशन दें। दरअसल सीमा की पाकिस्तान से भारत आने के बाद से ही वो लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। सीमा से मिलने के लिए लोग उनके घर के बाहर कतार लगाए खड़े हैं। सीमा से बातचीत के लिए सुबह से लेकर शाम तक लोगों का हुजूम उनके घर के बाहर इकट्ठा रहता है। ऐसे में सचिन के पिता नेत्रपाल का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रोजाना की कमाई से पूरे परिवार का गुजारा चलता है, लेकिन उनका लगातार घर में रहना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और इससे बचने के लिए उन्होंने एक रिश्तेदार के घर में पनाह ली हुई है। सचिन मीणा के जो पिता हैं वो भी इस वीडियो में आर्थिक तंगी की जो बात है वो कह रहे हैं, और जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने एक जो लेटर है वो भी रबुपुरा थाने के जो एसएचओ हैं उनको लिखा है और ये कहा है कि परिवार के जो सदस्य पहले से ही नौकरी कर रहे थे वो फिर से नौकरी पे जाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने पुलिस को एक खत लिखा। हालांकि नोएडा पुलिस ने पहले ये साफ कर दिया है कि परिवार का कोई सदस्य अगर नौकरी पे करना चाहता है या नौकरी पे जाना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। सचिन और उनके परिवार को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में सचिन और उसके पिता ने रबुपुरा थाने में पत्र दाखिल किया है कि उन्हें नौकरी के लिए दिल्ली नोएडा से सटे इलाकों में जाने की इजाजत दी जाए।